यही स्थान है जिसे 1574 बिक्रमी संवत गुरु नानक साहब पधारे, जिसमें दे पहुंचे। भाई मरदाना कहना मारे बड़ी भुख लग रही है, आटा तो है लेकिन बनाने का कुछ साधन नहीं, अग नहीं, बर्तन नहीं। गुरनाथ से हुक्म किया भाई मरदाना तो रोटियां बना ले, और ये पत्थर हटा। उन्हें पत्थर हटाया नहीं, जो खोलता है पानी का चश्मा प्रकट हो गया। हुक्म किया रोटियां दे छपा दे, रोटियां भी छपाई, सारी रोटियां डुब गया। कहते महाराज थोड़ा जाटा से वो भी चला गया। गुरनाथ ने हुक्म किया भाई मरदाना तो एक रोटी परमेश्वर के नाम से छड़ दे। जो ने अरदास की रोटियां तर गई, खा के बड़ा प्रसन्न होया। इतने गुरनाथ ने इशारा दिता जरा परमेश्वर के नाम से कोई छड़ है उदा डुबिया भी तर जाता है। दुध लगाया हुआ चाह भी इतो बनती है, चाह का अपना सूधा दुध चीनी चाह पत्ती सूधा दुध चीनी चाह पत्ती पैकेट बनाए हुए हैं। आप पाने बाल दी पानी पाने गर्ती मारने चाह बन जाती है, उसे स्टीम हैगी पानी की उसे जाके वसते हैं। इस स्थान का सारा प्रबंध बहुत है, कमरे बिस्तरे लंगर चाह प्रसाद पार्किंग डॉक्टर दवाइयां सब फ्री प्रबंध है। इसे किसी का भी कोई भी पैसा नहीं चार्ज किया जाता, कोई इतने जात मजहब का सवाल नहीं, ना को मैरी ना ही बगाना। सगल संघ हमको बने आई, बिसर गई सब तात पर आई, जब दे साध संगत महे पाई। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। पावन दरबार वालों सर्व संगत का स्वागत है। ये सत मंजिला इमारत है गुरुद्वारा साहब की, और तकरीबन 3-4 हज़ार की करीब संगत इतने ठहरन का प्रबंध है। इस विशाल इमारत की कोई नींह नहीं खोदी गई, कोई इंजीनियर आर्किटेक्ट एस टी ओवरसीर कोई नहीं। ये सारी योजना महापुरुषों की अपनी है, आप ही बाबा जी मजदूर मिस्त्री और आप इंजीनियर सन। इस नाल ही आपने दर्शन किए ने गर्म पानी के चश्मे के, ये गर्म पानी 94.4 डिग्री तो बुल रहे हैं। उस सारा लंगर चाह आदि जो भी आपने तो छकया ऐसे गर्म पानी विच ही ऐसे गर्म पानी नाल ही तैयार किया गया। केवल 4 चीज़ा अग ते बनाई जांदियां ने, तुड़का फुलका कड़ी और गुलाब चाह, बाकी सारा ही लंगर का समान इसे गर्म पानी के विच ही तैयार किया जाता। और सब चीज़ का टाइम है, चाह तो हर समय तैयार है, पत्ती खण दो पा दो फैंट दो चाह बन जाती है। 25 मिनट के आलू चावल मुंगी माँ धोती दाल, 1 कंडे मुंगी साग माँ साबत, 2 कंडे छोले राजमा मिठे चौल बन जाते हैं। जिस तरह आप घ्यो इस तेल पूरी समोसे तलते हो, उस तरह पूरी समोसे वेल के इस गर्म पानी पा दो, 1/2 घंटे चो तले जाएंगे। इतने की बोली दे उन्होंने समोसों सिल्लू किया जाता है, 2 सीडो जरा सवेरे खा लवे उसनों रात की रोटी खाने की इच्छा नहीं होती। जेडे वो ताकतवर होंगे ने घ्यो नाल उन्होंने खाई दा है। और जदों गुरु नानक साहब इस 5 स्थान पर पधारे सन, वो सीडो बना कर छके सन। ये मिठा पानी है, कोई खार गंधक एसिड मिक्स नहीं, बल्कि चाह बनाई तो अद्धा मिठा कर जाता। अगर दूसरा पानी लिया के इस्तेमाल करिए तो दूना मिठा पाना पैंदा। ये जल इस जगह तो ही इतनी मकदार के बिच ही गर्मी होवे सर्दी होवे बरसात होवे बर्फ पवे निकलता रहता है। अगे चल रहे सरोवर पहुँच रहे जिते इशनान की व्यवस्था है, ये जल लिफ्ट करके बर्तन साफ किए जाते हैं, नदी पार के सरोवर पहुँच रहे। और सब तो बड़ी खासियत है जल की, कोई भी चीज़ बनानी होवे अगर घंटे च बननी है सानू ही जरूरत पई 4 घंटे बाद कटिए, शाम को कटिए, दूसरे दिन कटिए, चीज़ खराब नहीं होती। इहदे नाल ही गर्म गुफा कमरा नंबर 3 इस दरबार साहब की सब तो निचली मंजिल, किसी को ठंड हो जाए निमोनिया हो जाए सर्दी हो जाए दर्दों की शिकायत उत्ते बैठना ठीक हो जाते हैं। उदे असीं पहलां कुछ इशनान करो फिर गर्म गुफा च बैठो, उन्ना चिर जिन्ना चिर दिल ना घबरावे। और यही गर्म जल जरा उबल रहा है जिन्हें 3-4 बजे थोड़ा ठंडा करके पीना होंगे, बहुत तरह के मरीज भी तो ठीक हो के जाते हैं।
लेकिन इस सहज का इलाज सच्चे हफ्ता 10 दिन 15 दिन लग जाते हैं। यही स्थान है जिथे 1584 बिकमी सन गुरु नानक साहब पधारे, जिस समय दे पहुँचे भाई मरदाना कहना महाराज बड़ी भुख लग रही है, आटा तो है लेकिन बनाने का कोई साधन नहीं, अग नहीं, बर्तन नहीं। गुरु नानक साहब ने हुक्म किया भाई मरदाना तो रोटियां बना लै और ये पत्थर हटा। उन्हें पत्थर हटाया, नहीं चखौलता आया, पानी का चश्मा प्रकट हो गया। हुक्म किया रोटियां इस पा दे, रोटियां भी पाई, सारी रोटियां डुब गई। कहते महाराज थोड़ा जाटा से वह भी चला गया। उन्हें सन हुक्म किया भाई मरदाना तो एक रोटी परमेश्वर के नाँ की छड़ दे। जदों उन्हें अरदास की रोटियां तर गई, खा के बड़ा प्रसन्न होया। इतने गुरु नानक साहब ने दृष्टांत दिता, जरा परमेश्वर के नाँ से कोई छड़ता है वह डुबिया भी तर जाता है। भाई मरदाना कहना महाराज तुम ठहरो, तुहानू भुख लगती नहीं, मेरा काम आसानी नाल चलता रहेगा। गुरु नानक साहब ने हुक्म किया भाई मरदाना इस सतयुग का स्थान, उस सतयुग प्रगट होएगा। जिन्हां महापुरशां ने इस स्थान की खोज की, इसनों बनाया और चलाया संत बाबा नारायण हरि जी, वो फरमाते सन सतयुग लग चुका है। केवल कलयुग तो सतयुग ने कब्जा लेना, जिस वास्ते सारी शक्तियां तैयार ने, मेगाटन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, एक्स बम, न्यूक्लियर बम सब बने पे हैं। सिर्फ हुक्म दी देरी, जिसलिए हुक्म हो चलन गए फिर सारे पासे शांति बढ़ जाएगी। जिसमें दसम पातशाह सरवाल से पधारे सन, मंडी का राजा बड़े प्रेम न सिर सैन बेनती करके मंडी लैके आया। 6 महीने 18 दिन गुरु गोबिंद सिंह महाराज मंडी ठहरे और उन्हां दे नाल इस पावन स्थान पर दर्शना उसे भी पधारे सन। ऐसे स्थान पर 11,000 वर्ष भगवान शंकर ने माता पार्वती नाल सतयुग के समय तपस्या की। एक बार जल किला करते उन्हें कंध की मणि से गिर गई सी, पाताल चल गई शेषनाग दे कोल। भगवान ने अपने गणा हुक्म किया लभण वास्ते, ना मिलन ते उन्होंने नेत्रां चों नैणा देवी प्रगट हुई। नैणा देवी ने पाताल जाके शेषनाग नूं दस्या, शेषनाग ने वह मणि फुंकारे ते भेटा की, इस स्थान का नाम फिर मणिकर्ण पै गया। क्योंकि 11,000 वर्ष इतने तप किया, इस करके स्थान नूं अर्धनारीश्वर भी कहा जाता है। अर्धनारी सर्वंग क्षेत्रंग सर्व सिद्धि प्रदायकम, ये सारे रिधियां सिद्धियां देने की शक्ति रखने वाला तीर्थ है। इस स्थान हरिहर भी कहा जाता है। जल रूप विष्णु है, अग्नि रूप शंकर है, तप तीरे मणि करण के हरिहरो सायुध मुक्ति प्रदो, इस सायुध मुक्ति नूं देने वाला तीर्थ है। 1940 दे विच महापुरुष संत बाबा नारायण हरि स्वामी स्थान पर पधारे। उस समय तो कोई जगह नहीं सी बनी, केवल पार्वती नदी चलती सी, चारों तरफ गंदगी के ढेर होया करते सन। महापुरशों ने सारे स्थान की सेवा स्वयं की, इतने ही महाराज का दर्शन होया, इस स्थान का निर्माण करने का हुक्म भी होया। क्योंकि बसों द्वारा उन्होंने इतने पहुँचने का कोई साधन नहीं सी, पुंतर तो ही 35 किलोमीटर पैदल ही आना जाना पैंदा सी। महापुरश आप अपने मोढ़ियां ते सीमट और राशन पैदल उठा के लियाए, इस स्थान पर लंगर आरंभ किया, इस स्थान का निर्माण शुरू किया। बहुत तरह के मौसम, सर्दी, गर्मी, बरसातां, बर्फा, कई प्रकार की रुकावटा, मुसीबत, मुश्किल इस स्थान के निर्माण चाहिए, लेकिन बड़ी प्रसन्नतापूर्वक झेलते हुए महापुरश इस स्थान की सेवा लगे रहे। अज उन्होंने 50 साल की सेवा थोड़े सामने है। सतमें जल इमारत जिससे तकरीबन 3-4 हज़ार की करीब संगत के ठहरन का प्रबंध, इस स्थान से 24 घंटे लंगर चाह दुध का प्रबंध रहता है। इस लंगर दे थूम, प्याज, मसर की दाल और डालडे के उसका इस्तेमाल नहीं किया जाता। इस सारा लंगर और क्राफ्ट शायद देसी घ्यो तैयार किया जाता है और वही माई पाई जो अंडा, मीट, बीड़ी, शराब, सिगरेट इससे माल नहीं करते, नहीं खाते, नहीं बनाते। इतने लंगर बनाने की, लंगर बरतान की या दरबार साहब के अंदर ड्यूटियां की सेवा कर सकते हैं, या जो हमेशा वास ने चीज़ों का त्याग कर देन वो भी इन्हें सेवाओं में हिस्सा ले सकते हैं। इस स्थान का सारा प्रबंध मुफ्त है। कमरे, बिस्तरे, लंगर, चाह, प्रसाद, पार्किंग, डॉक्टर, दवाइया सब फ्री प्रबंध है। इतने किसी का भी कोई भी पैसा नहीं चार्ज किया जाता। अपनी साड़ी से गौशाला है, 70-80 साड़ी गऊं ने, उन्हें कृपा नाल से सारा प्रबंध चाह दुद्ध चलता रहता है। रस्ते इतने ठीक रहते हैं, वैसे कभी कभी बरसात बहुत हो जाए तो कभी कोई पत्थर या पहाड़ी डिग जाती, लेकिन सवेरे अगर इस तरह बंद भी है तो शाम तक खुल जाता है। सीधिया बसा चल दिया ने चंडीगढ़ तो, लुधियाना तो, और जलंधर तो, पटियाला तो,
इस तरह की इतने सीधी बसों का भी प्रबंध है। दिल्ली तो भी सीधी बसा आदि ने और हवाई रस्ते द्वारा भी यात्री इतने आ सकते हैं। गुंतर हवाई अड्डा है तो उत्थे बाई एयर भी जी संगत चाहे दर्शन करने वास्ते आ सकती है। रस्ता सारा साल खुला ही रहता है, सर्दियों के बर्फ पैंती लेकिन रस्ता बंद नहीं होता, खुला रहता है। सवेरे 2 बजे महाराज का प्रकाश हो जाता है, 4 बजे तक जपजी साहब सुखमनी साहब का पाठ, 4 बजे तो 7 बजे तक आसा दीवार का कीर्तन, उस बाद आरती का समा है। आरती समाप्ति बाद नाल ही इतने पाठों की लड़ी चल रही है, सप्ताह पाठ की लड़ी, वो पाठ आरंभ हो जाता है जरा शाम के 5 बजे तक चलता है। उस तो बाद फिर 6 बजे रैला साहब का समा है और फिर कीर्तन आरंभ हो जाता है। 8:30 बजे तो बाद फिर आरती होंगी है, आरती तो बाद फिर इतने सिमरन का तरीका भी दसया जाता है। इतों के प्रोग्राम ने और कोई इतने जात मजहब का सवाल नहीं, ना को बैरी ना ही बगाना, सगल संघ हमको बनियाई, बिसर गई सब तात पर आई, जब ते सा संगत मोहे पाई। इतने किसी जाति धर्म का सवाल नहीं, कोई भी जाति धर्म का बंदा इतने रह सकता है, सारी उम्र रह सकता है, साढ़े परिवार का एक मैंबर बन के रह सकता है। उदे असे सारी जिंदगी की सहूलत इतने दी जाती है, उस तो कोई पैसा नहीं चार्ज किया जाता, बल्कि उदे घर आन जाण दा कोई दवाई का कोई खर्चा होंगे वो सारा स्थान वालों किया जाता है।